राई विधानसभा से भाजपा नेता मोहन लाल बडोली ने प्रेस वार्ता करके राई विधानसभा के मतदाताओं और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया। मोहन लाल बडोली ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए आइए देखते हैं क्या कहा। 2019 में जो 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ और इसमें जो पूरे भारतवर्ष की वोटिंग का जो रिजल्ट आया उसमें प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर जिस प्रकार से देश की जनता ने भरोसा किया है, इससे लगता है कि ये बड़े सौभाग्य की बात है कि इस प्रकार का नेतृत्व हिंदुस्तान के लोगों को 130 करोड़ जनता को मिला कि ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी का जनता से मांगा और जनता ने दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत दिया और जो एनडीए का जो दल था उसको 350 के पार सीटें दी, इसके लिए आज मैं मोहनलाल बडोली भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जिन लोगों ने भी वोटिंग किया, जिन्होंने बड़ा परिश्रम किया, अथक मेहनत की, उन सब कार्यकर्ताओं का, उन सब वोटरों का मैं धन्यवाद करता हूं कि ये बड़ा सौभाग्य है कि इस प्रकार का प्रधानमंत्री भारतवर्ष को मिला है कि आज पूरी दुनिया में एक मैसेज गया है कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी इस देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं और जिस प्रकार से स्पष्ट नीति, स्पष्ट दिशा, जो सबका साथ सबका विकास का जो नारा था उसको आगे बढ़ाते हुए आज भारतवर्ष नई ऊंचाइयों को छुएगा और जो काम 5 वर्ष में प्रधानमंत्री ने किए हैं उन पर ये वोटिंग हुई और उसके बाद जो काम अधूरे रह गए हैं उनको अब आगे आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी ज़रूर पूरा करेंगे। और हमारे यहाँ सोनीपत से रमेश कौशिक जी को जिस प्रकार से 1,64,864 वोटों की जीत हासिल की है, ये सब सबका साथ सबका विकास और जो यहाँ विकास के कार्य हुए हरियाणा प्रदेश में माननीय मनोहर लाल जी की जो सरकार चली और जो उनकी स्पष्ट नीति रही, किसी प्रकार का कोई भी घोटाला, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, किसी प्रकार का भेदभाव किसी के साथ नहीं हुआ, सबको साथ लेकर काम करने की जो नीति और नियत मनोहर लाल जी की सरकार की रही है उस सबका फायदा इस चुनाव में हरियाणा प्रदेश को मिला और 10 की 10 सीटें हरियाणा प्रदेश से हम जीत के आए। भूपेंद्र हुड्डा ने आरोप लगाए हैं ईवीएम पर जी, ये जिस प्रकार के आरोप कांग्रेस पार्टी के लोग लगा रहे हैं इनका जनता में उपहास उड़ाया जाता है। जनता जान चुकी है कि किस प्रकार से सफेद झूठ कांग्रेस के लोग बोलते हैं और जो झूठा नारा देते थे, झूठ बोलते थे, बरगलाने की कोशिश वोटरों को करते थे, ये उसी का परिणाम है और आज जनता जान चुकी है कि कौन झूठ बोलता है और कौन सच बोलता है। इसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये परिणाम आया और कांग्रेस के लोगों ने अब ये इस प्रकार की बयानबाजी बंद कर देनी चाहिए क्योंकि जनता इनका मजाक उड़ाती है। अर्थ प्रकाश के लिए सोनीपत से आदेश त्यागी की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।